friends, myself, Megha Sharma, assistant professor in Biyani group of college, welcome you all on the behalf of GuruKpo. Today I am going to deliver my lecture on family. So let's start. What is family? Family kya hota hai? Family is the biological social unit composed of husband, wife and children. Yani family ek chota sa social unit hai jisme kaun kaun hota hai, husband hota hai, wife hota hai and then unke bacche hota hai. Then hum dekhenge types of family. फैमिलीज़ के भी बहुत सारे टाइप्स हैं दैट जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी मैट्रियार्कल फैमिली एंड पैट्रियार्कल फैमिली, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस पैट्रीलोकल फैमिली, मैट्रीलोकल फैमिली, न्योलोकल फैमिली, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट पैट्रीलिनियल फैमिली और मैट्रीलिनियल फैमिली. आज हम जानेंगे कि ये होते क्या क्या हैं. फर्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है जिसमें सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे होते हैं उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली. देन हम जॉइंट फैमिली की बात करेंगे तो उसमें टू और थ्री जनरेशन होती है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, फिर फादर मदर, देन अपने चाचा चाची हो गए. ये जो तीन जनरेशन रहती हैं ग्रैंडफादर, फादर एंड सन वो उसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली. देन ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी अगर हम अथॉरिटी के बेसिस पे देखें तो फर्स्ट इज़ मैट्रियार्कल. मैट्रियार्कल फैमिली में जो एल्डेस्ट फीमेल होती है वो हेड होती है फैमिली की, ठीक है. देन वही सब चीज़ों का डिसीजन लेती है. देन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पास ऑन होती है फ्रॉम मदर टू डॉटर. देन पैट्रियार्कल में हम देखें तो इधर एल्डेस्ट में एल्डेस्ट जो मेंबर होगा वो मेल होगा यानी अपने जो फादर होंगे वैसे होंगे. देन अथॉरिटी जो पास होगी वो पहले ग्रैंडफादर से फादर के पास पास होगी और फादर से फिर सन के पास पास होगी. तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी में वहाँ पर ज़्यादातर हम अगर देखें तो पैट्रियार्कल फैमिली ही होती है. देन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस. फर्स्ट इज पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल एंड न्योलोकल. पैट्रीलोकल वो होता है जब लड़की शादी करके अपने हस्बैंड के घर पे जाती है तो उसे हम बोलते हैं पैट्रीलोकल फैमिली जो हम ज़्यादातर इंडियन सोसाइटीज़ में देखते हैं. मैट्रीलोकल में जब हस्बैंड शादी करके वाइफ के घर पे रहने जाता है उसे हम बोलते हैं मैट्रीलोकल. और न्योलोकल वो होता है जब दोनों हस्बैंड वाइफ अपना एक सेपरेट घर लेके रहते हैं उसे हम बोलते हैं न्योलोकल. देन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट पैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलिनियल अगर हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है वंशज, हमारा वंशज कैसे चल रहा है. तो पैट्रीलिनियल में देखें तो जैसे पहले ग्रैंडफादर थे, देन फादर, देन सन, तो हमारा वंशज ऐसे पैट्रीलिनियल चल रहा है जैसे जहाँ पे आपके पहले ग्रैंडफादर थे, देन फादर, देन उसके बाद सन. देन अगर हम मैट्रीलिनियल की देखें तो वो हमारे विमेन की साइड से चलता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो एल्डेस्ट होंगी एल्डेस्ट फीमेल मेंबर होगी हेड और वो ही सारे डिसीजन लेती हैं और उनकी तरफ से ही वंशज चलता है जैसे पहले आपकी होंगी ग्रैंड मदर, देन फिर आपकी मदर, देन फिर देन डॉटर. माय कॉलेज टॉट मी टू बी मॉडर्न एंड एथिकल. माय कॉलेज टोल्ड मी आई कैन. माय कॉलेज टोल्ड मी टू बी बोल्ड एंड डेयरिंग. माय कॉलेज टॉट मी टू से सॉरी. My college taught me to be independent. My college taught me to be helpful. My college made me believe in myself. My college taught me to enjoy my life. Biyani group of colleges, yes, where you can trust. Last हम देखेंगे on the basis of marriage. First is polygamy, second is polyandry और third is monogamy. पोलोगैमी जब एक लड़का बहुत सारी लड़कियों से शादी करता है यानी एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी करता है उससे हम बोलते हैं पोलोगैमी. सेकंड होता है पोलैंड्री. पोलैंड्री जब एक लड़की एक लड़के से ज़्यादा लड़कों से शादी करती है उसे हम बोलते हैं पोलैंड्री. थर्ड इज़ मोनोगैमी जिसमें एक लड़का एक ही लड़की से शादी करता है उसे हम बोलते हैं मोनोगैमी फैमिली जो ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन अवर यूट्यूब चैनल.